राधे कृष्णा उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए नाइट ड्रेस कैप कॉटन के कपड़े में से बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये मैंने आपको ड्रेस पहना के दिखाई है कैसे पहनाई जाएगी। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आशा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बना लेते हैं इसको हम। ये देखिए ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। एक से नेकर बनाएंगे, एक से हम चोली बनाएंगे। देखिए मैं चोली के लिए कपड़ा नाप रही हूँ। ये 11 इंची लंबा है। चौड़ाई इसकी 2 इंची है। ये नेकर के लिए हमने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 4 इंची है। दस इंची इसकी लंबाई है। मोहरी बनाने के लिए मैं पहले आधा इंची कपड़े पर निशान लगा लूंगी दोनों कॉर्नर पे। ये देखिए अब निशान से लेके हम नीचे तक नाप लेंगे इसको। हमें 3 इंची की लंबाई रखनी है नेकर की। ये देखिए अब मैं मोहरी के लिए कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ और इस पे एक सिलाई कर लूँगी। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मोहरी के लिए एक सिलाई कर ली है, कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हम नेफे के लिए कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। जितना कपड़े पे मैंने निशान लगा के रखा है उतना ही कपड़ा हमें लेना है नेफा बनाने के लिए। तो चलिए मैं इस पर सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए नेफे के लिए भी मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए इलास्टिक की लंबाई में 5.5 इंची रख रही हूँ। ये देखिए नेफे में इलास्टिक डालने के लिए मैंने छोटी सी पिन ली है, उसी की मदद से मैं इलास्टिक डाल लूंगी। ये देखिए पहले मैं इस कॉर्नर को इलास्टिक को सिल लूँगी ताकि ये आगे निकल ना जाए, उसको मैंने सिल लिया है। अब हम ये पिन निकाल के इस कॉर्नर को भी हम सिल लेंगे। ये देखिए चोली बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। पतली सी पट्टी बनाएंगे हम चोली के लिए। मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप के दिखा दी है। इस पे हमने एक सिलाई कर ली है, अब हम सीधा कर रहे हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और दोनों कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, निशान लगाएंगे जॉइंट के लिए। डेढ़ इंची पर मैं निशान लगाऊंगी, 1.5 इंची तक हमें जॉइंट करनी है चोली को। ये देखिए मैंने चोली को जॉइंट कर लिया है। अब हम नेकर के नेफे में निशान लगाएंगे बीच में और चोली को उसके बीच में रखेंगे और जॉइंट कर लेंगे।
ये देखिए चोली को हम इस तरीके से रखेंगे। इस पे पहले निशान लगा लेंगे हम बीच में, निशान को सिर निशान से मिलाएंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, अब हम नेकर को फोल्ड करेंगे, दोनों पार्ट मिला लेंगे हम और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, अब हम इस तरीके से पकड़ेंगे, बीच में निशान लगाएंगे, इसको खोलेंगे और सिलाई और जो हमने निशान लगाया बीच में उसको आपस में मिलाएंगे और बीच में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये सिलाई हम खोल लेंगे, इस पर भी हम निशान लगा लेंगे बीच में। ये देखिए एक छोटा सा कॉर्नर बनाना है और उसी के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है और बीच में से थोड़ा सा कट भी कर दिया है, अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए नेकर ड्रेस बनके तैयार है, नाइट ड्रेस। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। ये देखिए कैप बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 11 इंची है, 4 इंची इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, आधा इंची करीब कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, इस पर एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, अब हम इसके ऊपर इलास्टिक लगाएंगे, सिल लेंगे इलास्टिक को। देखिए इलास्टिक की लंबाई मैंने 5 इंची रखी है। अब हम इलास्टिक को जो पट्टी हमने सिली है फोल्ड कराए कपड़े को उसके ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने इलास्टिक को सिल लिया है और 2 सिलाई करी है इलास्टिक पर। इस तरीके से हमने फोल्ड किया और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, सुई की मदद से हम अब इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए धागे को खींच लेंगे, अब हम इसके ऊपर धागा घुमाएंगे। सुई से एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए हमारी कैप बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्णा।